परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 41 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्य श्रीसुदुष्टसुवाष्णेय जायते वर्णशंकर शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां दुःखपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्मा
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुष्मा अहो वचमः पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन शान्तुं स्वजनमोद्यता यदि मामप्रतीकार मशस्त्रपाणय धातुराष्ट्रारणे हन्यो स्तने क्षेमतरं भवेत्। सन्देह उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंवेग्नमानसः एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंवेग्नमानसः। ॐ तत्सदृश्रीमरोपीतास्तुविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अभिनुषादियोगानां तथोध्याय वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे ष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है। ये तात्पर्य क्या है कि मेरा संबंध है तुम्हारे साथ, तुम मेरे अंश हो, और मेरे अंश हो करके तुम्हारी दृष्टि किधर चली गई, मनश्रेष्ठा ने इंद्रिया ने इस तरह, ये तुम्हारे नहीं है, ये है प्रकृति की, प्रकृति स्थानी मनश्रेष्ठा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति मैसेज है, ये प्रकृति का अंश है, तुम मेरे अंश हो और मेरे पर चिन्ना रह करके प्रकृति के तरफ रहो, अपनी मान खेचते हो, तुम उनको कर सती खेचते हो, तुम उनको जबरदस्ती करते हो, उनको अपना मानने के लिए अपना मानते हो, अपनी मान के अपने तरफ कर देते हो, समझे हमना पड़े हो जाए, ये बिल्कुल गलती बात है। अगर मेरे तरफ हो जाओ तो न्याय लोगे, मैं श्रेष्ठा नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थानीय तारी कर सकती, कहते हमारी भूजा हुई, ये तुम्हारी होगी नहीं, ये आपकी नहीं है, ये प्रकृति स्थान है। तो हमारे जो शरीर मिला है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये हमारे नहीं है, ये प्रकृति के है, हम परमात्मा के हैं, प्रकृति पुरुष दो है, प्रकृति पुरुष विद्यनादि गुहा भी, तो हम प्रकृति ही नहीं पुर गए हैं। अब ये इधर से मोड़ हमारे सन्मुख हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को ठेकना सही था भाई, करोड़ों जन्मों को आप नष्ट हो जाए, मेरे सन्मुख हो जाए जब ही तभी है, ये इन देरी का काम नहीं है। सन्मुख है तो उद्मुख हो गया, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, संसार शरीर मेरा नहीं, मैं संसार शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर की संसार की एकता है, मेरी और भगवान की एकता है। तो ये बात मान लें, पहले स्वीकार करें, फिर दिखने लग जाएगी, जैसे अक्षरों को पढ़ते हैं पहले सीखते हैं फिर दिखने लग जाए, उसे उनसे बढ़िया चीज है, अक्षर तो कितने वो सीखे भी रहेंगे और ये सीखी हुई नहीं रहेगी, ये बात बोली अनुभव हो जाएगी, मामी ये वंश है, मम अंश नहीं कहा है, मम ही वंश कहा, मन मेरा ही अंश है ये। ये क्यों कहा कि जैसे हमारे पिता के पुत्र होते हैं तो पिता के ही अकेले नहीं होते, पुत्र माँ के भी होते हैं, माँ बाप के दोनों के हम पुत्र होते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पुत्र मेरा ही है, प्रकृति नहीं है, प्रकृति सारी तो निर्णय है, केवल मेरा अंश, केवल शुद्ध मेरा अंश। ईश्वर जी गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन है अमल मल रहित है, सहज सुखराशि स्वाभाविक सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसे ही सच्चिदानंद रूप ये जीव है, चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है। ये मल क्या आया कि जो संसार को शरीर को अपना माना, यही मल है, ममता मल कर आया ना, तो शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि के साथ जो ममता है, ये मल है, ये तो अमल है, ये तो सत्य, तो इनको अपनी न माने, ये प्रकृति की है, ये काम लेने के लिए लिए है, उनको अपनी मान ली, जैसे खेलने के लिए खिलौना को अपना मान लिया, अपना ये खेल है, खिलौना है तो अपना है ही नहीं। मम ये अंश है, क्या सिद्ध हुआ कि भगवान के ही अंश है। इस बात से भगवान ने सर्वगुह्यतम साधन बताया अंत में, गीता के अंत में सर्वगुह्यतम सुनोगे परम बच, सर्वगुह्यतम, ये सर्वगुह्यतम एक ही आ रहा है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम राजविद्या राजगुह्य शब्द आए, पर सर्वगुह्यतम इतना एक बार है, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ कि माम एकम शरणम हो जा, मेरी अनंत शरण हो जा, क्यों तू मेरा ही है, मेरी शरण हो जा, पापों की चिंता मत कर, भक्त को अपने उद्धार की अपने पापों की चिंता नहीं होती,
चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल है रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, बालक की चिंता माता पिता करते हैं, तो हम चिंता हमारी क्यों करें? बच्चा माँ 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 करता है, बस अशुभ पालन पोषण करी माँ करती है, वो थोड़ा ही करता है, अपना उद्योग करता है क्या? कोई पुरुषार्थ करता है अपने पालन के लिए? कमाता है या कुछ करता है? ना करती है। इस वास्ते माँ एकम शरणम भेजा अहम पर सर्व पापे दो, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सिद्ध क्या हुआ? सब भाई बहन विचार करे, आज अंतिम दिन है, ये सुबह का दिन अंतिम दिन है सत्संग का, तो सार बात है, अंतिम गीता की अंतिम शिक्षा है ये, सर्वगुणतम शिक्षा है अंतिम, सर्वगुणतम पहले का, फिर 65-66 कह करके इधन ते ना तपस्या है ना भक्ता है कदाचन न सा सूर्य समय कहना मत, तेरे को सर्वगुणतम कहता हूँ और को कहना मत, खास बात है ये, मन मना भगवत और माम एकम शरणम भजे, एक ये खास माम एकम शरणम भजे, तुम मेरी शरण हो जाए। मन में जिस तरह से विवाह होने पर कन्या अपने पिता के भाई के घर को अपना नहीं मानती, पति के घर को अपना मानती है, अपनापन छोड़ दिया वहां पर, जहाँ पैदा ही हुई है पली है रही है, परंतु अपनापन छोड़ देती है जिस घर के, इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम भज, तुम और जगह थे ही नहीं, मैं मेरे ही अंश हो पहले से ही, तुमने संसार को पकड़ा है, लड़की ने पकड़ा नहीं है माता पिता को, माता पिता को पैदा हुई है और हम वहाँ पैदा नहीं हुए हैं, हमने तो पकड़ा है उनको, तो हम छोड़ने से हम स्वतंत्र हैं, लड़की तो वेद परतंत्र है क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुई है वहीं पड़ी है, और कुछ जानती कर नहीं, पता ही नहीं और क्या। और भगवान कहते हैं तुम तो हमारे अंश हो, केवल मेरे अंश हो, केवल हो जाए माँ में एक अंश, इस बार माँ में एक कम शरण बजा, मेरी एक शरण आ जा, क्यों माँ में एक अंश है तुम तो मेरा अंश है, तो मेरी शरण हो जाए, शरण दूसरी बात है, शरण एक मान करुणा दिधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की, भगवान का स्वभाव है कि जिसके आन की गति नहीं और का सहारा नहीं है, अनन्यास रहे, अनन्यास चिंतो माम वेदना परिपाल के अन्य चेता सतो मांस में देखे, मई एव मना अथत्व मई बुद्धि निवेश निवशिष मई एव अथवा माम एकम शरणम भज। सजने ये सीधी बात भगवान ने बहुत खुलासा करके सर्वगुणतम खास बात बताई है, तो सब भाई बहन ख्याल करो कि यह एक एक ही बात है, खास खास बात है, आप ऐसा मान लें, अभी नहीं दिखे तो परवाह नहीं, पक्का मानने में कमी न रखे, मानने में अपनी कमी न, अपनी तरफ से कमी न रखे, ऐसा अनुभव न हो तो उसकी परवाह नहीं है। देखो भक्ति में मानने के बाद अनुभव होता है, ज्ञान में अनुभव के बाद मांगना होता है, ये फर्क है। ज्ञान मार्ग में तो पहले जान लेते हैं पीछे मानते हैं, और भक्ति मार्ग में पहले मानते हैं फिर जानते हैं, तो ये अपने मान ले पक्का फिर जान लेंगे, अनुभव हो जाएगा फिर। भक्ति है ना, ये अलौकिक है, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये लौकिक है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता मयान ग ज्ञान योगी ने संख्या नाम कर्म योगी ने योग नाम, ये लोकेश में पुरुष हो लोके क्षर अक्षर क्षर क्षय कर्म योग अक्षर से ज्ञान योग, ये लोक में दो उत्तम वस्तु तो अन्य परमात्म परम अन्य तो अलौकिक है, तो अलौकिक बात भगवान कहते हैं, अलौकिक बात है उनके साथ संबंध, तुम मेरे को मान रहे क्योंकि मैं हूँ तेरा तू है मेरा, ये है पहले से ही, पहले प्रकृति के लिए खेचा है तो ये भूल करिए, ये भूल मिटा करके जैसे प्रकृति स्थानी कर सकती इस तू मेरी तरफ आ जा, ये ताना आता तो है,
खास मेरा हो करके जो मेरा नहीं है उन्हीं को पकड़ करके तू उधर का हो गया, तो मेरे का होकर मेरे को पकड़ा था, मेरा होने में क्या देरी लगेगी। जो मेरा नहीं है उसको भी अपना मानने से शरीर मानने लगे, सही मैं हूँ, सही मेरा है, बिल्कुल तेरा है नहीं, तुम्हारे दोनों की बात मिलती नहीं, दोनों को स्वभाव मिलता नहीं। शरीर का स्वभाव तो निरंतर बदलता है, तेरा स्वभाव कभी नहीं बदलता है। अनादिकाल से उस दिन स्वयं भूतग्रह स्वयं जो पहले कल्प में था वही भूतग्रह सुविधा है। ये ब्रह्मा जी की व्याति होती है, दिन होता है, ब्रह्मा जी के पैदा होते हैं, लय हो जाते हैं, पर ये तो वही रहता है सदा ही। तो तुम्हारा तो ब्रह्मा के नाश होने पर, ब्रह्मा की समाप्ति होने पर भी तुम्हारी समाप्ति नहीं होती, वो कह वही तुम हो, मैं वो कही हूँ, तुम मेरे साथी हो, तुम ब्रह्मा के साथी भी नहीं हो, दुनिया के साथी कैसे हुए। तो ये बात इतनी जोर से कही कि तुम्हें समझ लू हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ, तुम मन स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करने से आपके साथ में परमात्मा खुद मदद करेंगे, आप मानोगे ना तो मदद करेंगे भगवान अपना स्वीकार करने की। जैसे छोटा बच्चा माँ घड़ा देकर आ रही है, छोटा बच्चा गया तो ऊंचा हाथ कर ले इतना और मैं ले लू, तुम ऊंचा हाथ करो कर मैं ले लूंगा, अगर वो गिर जाए नीचे पड़ जाए चोट लग जाए, तो इस तरह से नहीं, तुम माँ एकम शरणम भेज जाए, हम तो स्वरूप आप मोक्षा में। अर्जुन ने ये तो कहा नहीं प्रपश्या में मापन दिया योग मुत्सोषणा अवाप्य भूमा स्वपत्न मृद्धम राज्यम सुराना भी आधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य मिले तो मेरे शोक दूर नहीं हो सका। भगवान कहते तू मन सोच और शोक मत कर, पाप मेरा श्रेय दसवा नहीं देता, आता ही नहीं आता ही मन मेरे पाप ही लगेगा, पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। अरे वहां सोचा शोक नहीं मिलता तेरे, तू शोक बढ़ा मत, तू मेरी आ जा सर, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जो जाको शरण लियो ताके ताके इलाज, उल्टे दिल मछली जात गजराज। जैसे मछली जल के शरण होती है तो जल के शरण होने से जल ने छुट्टी दे रखी है, गंगा जी बड़े जोर से बह रही है, उनके सामने मछली सामने चलती है, अटकाव होता ही नहीं, बहती नहीं, ऊपर से धारा पड़े जल की तो धारा धारा चढ़ जाती ऊपर मछली। आप देखी हो गए, मैंने देखी है, धारा पड़ती है ऊपर जोर से, वह धारा धारा ऊपर चढ़ जाती है, धारा का आप जोर लगेगी, आप इतनी जोर से धारा पड़ती है, चोट लगेगी, ऐसी पड़ती हुई धारा में धारा सामने चढ़ जाए, क्यों जो जाको शरणों नहीं होता आगे ताकि इलाज, उल्टे इधर मछली छोटी जी और वह हो जाते गजराज, गजराज आ जा पाड़ आ जाते उथल पुथल जाओ, मजाता है, क्यों उनके शरणों से संस्था है, जमीन का है, जंगल का सहारा है, ऐसा सहारा है नहीं। अरे जरा अगर मछली को बहावे तो फिर किसको रखेगा, मछली कहाँ जाएगी। ऐसे माम एक शरण बढ़ जाओ कि मेरी शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो जो शरण है वो शरण्य है, वो चिंता करो, शरणागत क्यों चिंता करे, शरण्य है, शरण साधु शरण्य, मामी को शरण मिल जाए, अहम तो स्वरूप है मोक्षी मार सोच, तुम चिंता मत कर, क्योंकि मम एव अंश तू मेरा ही अंश है, भूल गया है मैं, भूल गया निज वंशा, आदि तुम्हारा अंश है ये भूल गए निज वंशा, सासे में आग बिहावे शिक्षा सावा साई मिले सुख पावे, मेरा अंश है ये, भूलोगे भूल मिटानी है, ये पाप वाप कुछ नहीं है, भूल के बाद में है, भूल है ऊपर ही पाप ठहरे हुए, भूल मिटी पाप नष्ट हो जाएगा, ये भूल के ऊपर है सब, बस भगवान का हुआ सब पाप दाग सब खत्म हो जाएंगे। इस बात ये खास बात है, सब भाई बहनों को खूब ध्यान देकर सुनना चाहिए, गीता की अंतिम बात सर्व गुयतम भूया शुरु में परमम बचा, सबसे गोपनीय बात है और परम वचन है, श्रेष्ठ है,
ये अंतिम उपदेश है गीता का, सार चीज है और सुगम है। तुम मेरे शरण हो जा, मैं तेरे को मुक्त करूंगा। दूसरे साधन करके अपने पापों से स्वयं मुक्त होते हैं। भगवान कहते हैं इसमें मुक्त मैं करूंगा, मोक्ष श्यामी माँ सोचते तू चिंता क्यों करता है, तेरे काम सब मैं करूंगा। तो भगवान सब काम करे, वो जितना ठीक होगा इतना काम नहीं कर सकते हम इतना नहीं कर सकते जितना भगवान के समान सामर्थ्य है क्या हमारी। सर्व पापे भी संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तो आज युद्ध के समय इन आत्माओं को मान से पाप लगेगा, ये तो पाप तेरा थोड़ा है, मैं सब पापों से मुक्त करूँ। अनाधिकाल से कितने के तू पाप करता आया है, कितने कर्म है, वे सब के सब कर्म पाप ही है। जो जन्म मरण देने वाले होते हैं वो सब पाप, पुण्य भी तो जन्म मरण देने वाला होता है। स्वर्ग में जाए तो जन्म मरण होता है, जन्म थोड़ी मिलता है। ये रिश्ता स्वर्ग तुम प्रार्थियंत है, विद्यमान सोम पाप पूत पापा, पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में गया। तो पाप नष्ट होने भी पुण्य रहते, पुण्य मास आदि लोग पुण्य को लेकर के स्वर्ग लोग में सुख भोगता है। तो पुण्य मादेन्द्र लोग भोग, तो पुण्य भी जन्म देने वाला, पाप भी जन्म देने वाला। पाप नरकों में ले जाने वाला, 84 लाख चूड़ी में ले जाने वाला, और पुण्य स्वर्ग में ले जाने वाला। तो स्वर्ग पाप पुण्य पाप सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबसे मैं मुक्त कर दूंगा, सब मुक्त हो जाएगा। अभिमुक्त माँ पेशे से मुक्त मेरी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरा अंश है ही पहले से ही। चेतन अमल सहज सुख राशि शुद्ध शुद्ध है, निर्मल है। तो अपने कैसे ही है, जैसे तैसे भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपने सब स्वीकार कर लेंगे। खास बात है ये, भगवान का यूं मान लो। कलकत्ते में रहने वाला एक सज्जन था, नाम पता नहीं, जरूरत नहीं है जी। तो वो गया, वो खुद कही, उन्हें खुद कही हुई बात कहता हूँ। वो गए नवद्वीप, तो नवद्वीप में भद्राश्रम में ठहरते हैं लोग, मारवाड़ी श्रेणी जगह वही है। ठहरते तो वहां माइयां कीर्तन करती है, सैकड़ों हजार आई, तो वे कीर्तन करती है। तो कीर्तन वो ही बैठ गया कीर्तन सुनने में, वो माई कीर्तन करती है, सब माया खड़ी होकर बात भी कहती है। तो वे कहो माम एकम शरण में जगह, और वो कहो बस मेरे जो सब पाप से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे रामायण में यही बात बताई है, तो रामायण की बात बताई तो शरण हो जा मेरे। सकृदेव प्रपन्ना याद नहीं, सकृदेव प्रपन्ना आया तो वह स्मृति याद थे। हम सर्वपापी भक्ति से कहते हैं तो मेरी शरण हो जाए, फिर तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं। सकृदेव प्रपन्ना आया तो वह स्मृति याद थे। अब हम स्वरूप भूत दादा में तो बताऊंगा, यहाँ पापों से मुक्त करते हैं, वहां पापों के फल से मुक्त करते हैं। अब भय है ना, भय होता है पापों के कारण, फल होता है। तो पापों से मुक्त, भय से मुक्त कर दूंगा। तो सकृदेव एक बार तो एक बार शरण हो से काम, वो सुनता रहे उसे नहीं, तो बड़ी सीधी बात है। सकृदेव प्रपन्न आया तो वास में एक बार शरण हो जाए, और ये ना तो मैं आप कहूँ ऐसे कह दे, तो सब जितने भय है सब भय से दूर गया। कोई तेरे भय नहीं रहना, कोई पाप नहीं रहे, ताप रहने नहीं, सभी अभिम स्वरूप होते व्रत मामा। भगवान के व्रत है, कितनी बढ़िया बात करी। एक बार तो शरण हो जाए, और मेरा नियम है, व्रत है मेरा, भगवान का नियम है, कितनी विलक्षण बात है। ये तो मैं व्रत हूँ, एकदम मेरा व्रत है ऐसा। तो सुनी ऐसी बात सुनी तो बड़े आश्चर्य आया कि बात बड़ी सुगम है, और बड़ी सीधी बात एक बार कह दे, इतनी काम है, कोई दो बार जरूरत नहीं है। सकृदेव सकृदेव प्रपन्न आया तो वास में उस प्रपन्न शरण होने पर सर्व सब पापों से मुक्त कर दूंगी, इस तरह से ही सर्वभूत अभय कर दूंगा। तो जाकर अपने कमरे में ठहरा था,
उसमें कमरे का बंद कर दिया और ऊपर बारिश में प्रकाश आता ही था, उसमें खड़ा होकर के आज रहा फिर तो आपके तो एक बार तो मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ, बिल्कुल भीतर से कहता हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। सच्चे हृदय से, कोई काम कपट नहीं है, आपकी शरण हूँ। मेरा भय नहीं है, मेरा भय पाप आप दूर करेंगे महाराज, ऐसा कहकर लंबा पढ़ कर दंडवत कर ली। दंडवत कर मन में कहा साथ में तो भगवान ही शरण हो गया। फिर है पीछे कलकत्ते शरण हो गया, कोई जब ध्यान कीर्तन नहीं उसने। कलकत्ता आया तो वो सत्संग की निंदा करता था कि लोग समय खराब करे, बैठे बैठे काम धंधा करे तो कुछ पैसा ही पैदा होगा, ये निकम में बैठे क्या फायदा। तो बात वही स्वभाव वही रहा, स्वभाव वही रहा, परंतु उसे मन में आई कि सत्संग अब देखा अभी क्या क्या कौतुक है, ये लोग कहते थे क्या जाते क्या है, अपने भी चलो। उसे खुद कही हुई बात कहता हूँ मैं, तो गया वहां, गया सत्संग अच्छी लगी, सत्संग जाने लगा। कुछ दिनों के बाद बात हुई, ये क्या बात, मैं तो मानता ही नहीं था सत्संग को, जानता ही नहीं, ठीक समझता ही नहीं था, फालतू समझता कैसे आ गया। फिर याद आए, वो मैं कहा तुम्हारा आप शरण हूँ, एक बार कह दिया, कहने में मैंने अपने मन से कोई कमी नहीं रखी, भीतर से सर्वभा सर्वभाव भरी जय में ये कहा है, तो सर्वभाव से बस सर्वभाव भीतर से बिल्कुल सर्वभाव से हे राज जीवन बदल गया। इतनी दृश्य बात है, ये भगवान मदद करते हैं, इतनी सुखमय इतनी श्रेष्ठ है, अरे भगवान का नियम है, भगवान पर स्वयं छोड़ेंगे। आप कहो तो अपने हृदय से कमी मत रखो, अपने विचार से कमी मत रखो, अनन्य होता नहीं आदमी, वो अनन्य भगवान करते हैं, पर अपनी तरफ से कमी मत रखो, बस फिर भगवान कर देंगे आप ही। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्य हम, आप अपनी तरफ से कमी नहीं करेंगे, भगवान अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, तो भगवान ही कमी नहीं रहे, कमी रहेगी कैसे। तो अपने धर्म से ठीक तरह से भाई बहन सब सब कहना है, ऐसे देश भगवान को कह दो, अभी अभी कह दो, मन बैठ बैठे ही, मन से बैठे बैठे ही सच्चे हृदय से भाई ये बात है, सगृदय प्रपन्ना है तवास मीति जी यात्रे, ऐसे यात्रा करने वाले के लिए सर्व पापे सर्व भूते भी अभयम दधामि, किसी प्राणी से कभी कोई तेरे को पाप भय नहीं होगा, निर्भय कर दूंगा, तो पापों से ही नष्ट कर दे, भय से भी नष्ट कर दे, सब सब सुता देंगे, ऐसा विचार करके सत्य हृदय रहे। यहाँ का माम एकम शरणम भजा अहंकार सर्व पापे भी मोक्षेषि मासुत, शोक भी गया तेरे पाप भी गया, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ही मासुत चिंता ही तू मत कर, सब काम मैं करूंगा। बालक को कौन सा काम अपना करना पड़ता है बताओ, वो सब माँ ही काम करती है, तट्टी पेशाब फेंकना भी माँ करती है, छोटा बड़ा सब काम माँ करती है, इस तरह से सर्व पाप सब मैं कर दूंगा। तो केवल भगवान की शरण होना है, और शरण है हम, देखो शरण होना तो भगवान कहते हैं, माना हुआ नहीं है इस वास्ते, नहीं तो हम लोग सब भगवान की शरण है। आप इतने बैठे हैं, एक बात पूछता हूँ, कोई के मन में हो तो वो बात बोल देना, खड़ा होकर कह देना, आपने किसी ने भी जान करके अपने माँ बाप के जन्म लिया है क्या, भाई हम इस ऐसे माँ बाप यहाँ जन्म गए, इस माँ के जन्म गए हम, ऐसा किसी ने भी लिया हो विचार तो बोल दो कोई, कि मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। तो जब आपकी मर्जी से नहीं आए तो भगवान की मर्जी से आएगा नहीं बताओ, भजी से आए तो भगवान ने अपना माना है तभी जन्म दिया है कि नहीं, अपना नहीं माने तो भगवान कहते महाराज आप हो क्या पंचायती, आपने क्यों जन्म दिया, कहते तू कहने वाला कौन, सब मम्मा प्रिय सब मम्मा बचाए मेरे है सब, मैं जैसे करता हूँ तू पूछने वाला कौन, सर्व अनुमानी प्रसदा कुर बाड़ो मत विवास मत प्रसाद अपना शासन पद मत, मेरी कृपा से अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा, जो पहले
ज्ञान मार्ग में एक अलग भाषी का मानस कितना आगे कुछ बोलता है। ये सर्वकर्मा नहीं श्रद्धा कुर्बान सब काम श्रद्धा करे करने में तो श्रद्धा करे काम सब अपना देख कर करे मेरे आश्रय जाए कितनी बात बोली सर्वकर्मा में श्रद्धा कुर्बान मजबूरी तो शाश्वत पद की प्राप्ति किससे मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाएगा उसे साधन थोड़े है कितनी फिर से बात बताए तो मत प्रसाद सर्व दुर्गा मत प्रसाद पापा से भी मेरे कृपा कर जाएगा और मेरी प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी भगवान की कृपा ही सब काम करेगी अपने तो केवल शरण हो रहा है। ये जो मन संसार इंद्रिया ने शरण लिया है संसार के पदार्थों का व्यक्तियों का वस्तुओं का रुपयों का मान का पदार्थ का शरण लिया ये नहीं माम एक मुझे एक बाण करुणा ध्यान देगी सो प्रिय जाके गति न आने की तो ये शरणागति है हम भगवान के हैं आप लोग कृपा करो ऐसी कृपा करो कि सब हृदय से मान लो कि हे नाथ मैं आपको शरण हूँ। भाई बहनों को हृदय से भीतर से ऊपर चेष्टा करने की जरूरत नहीं उठने की जाने की कहीं जरूरत नहीं सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ। एक बात याद आ गई भाई कह दूंगा देखो वर कन्या होते हैं ना उस सवरी बैठते हैं तो उसमें एक ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में और मंत्रों की साक्षी में कन्या को कहते बेटा तेरे ये वर है ब्राह्मण तो माँ बाप ही सब गई पुत्री ये तेरा वर है गठबंधन करना तेरा वर है। वो एक ब्राह्मण के कहने से मान लेती है श्रद्धा के लिए मान लेते हैं नहीं तो एक साधु कारण मान लो पर क्या आपको बात क्या लगता है एक ब्राह्मण के कहने से आप मान लेते हो जो कि नया काम है वो ये तो मम एक वंश है भगवान के महाराज आप पहले से भगवान के हो मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ वो ब्राह्मण तो नई बात बताता है आप हो थोड़े वहां के कन्या वो अपने घर के माँ बाप की वहां के थे पति कहाँ का है कैसे दूसरी कह गई उसे ग्रहण हो गया तेरा ये बेटा ये पुत्री तेरा पति है बस इसमें जाओ प्रसन्न हो गई तो भाव बदल जाता है भीतर से घर का संबंध छूट जाता है और इतना छूटता है जब जाकर माँ माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई और परदादी गया या पड़पोता उसको करे ब्याह वो छोड़ी जरा चंचल गई तो कहती घर खोयो पराई जाई ये पराई जाई छोकरी ने मैं घर बना दिया कह दादी जी आप तो घर जाई हो मैं तो पर जाई हूँ दादी घर जाई है आप भी पर जाई हो वो ठाई नहीं है ये पर जाई घर छोकरी जाई हुई छोरी ने मेरे घर बना दिया आप माता जी आप भी तो पर जाई हो मन पर जाएगी याद नहीं मैं पर जाएगी हमारे बेटा है पोता है परिवार है मैं तो सबकी दादी परदादी हूँ है तो वही तो एक ब्राह्मण के कहने से मान लिया तो एक साधु कहने कोई कांटा मार जावे आप लोग बताओ कोई दुखसान हुए आपके दुखसान बताओ फिर मरी ठगाई बताओ कि थी ठगाई करते हो इतनी कोई वो धोखा बता दो और लाभ परम लाभ की बात है दूसरी बात है नहीं कृपा करो कृपानाथ आज एक कृपा कर दो मेरे पर क्या कहते हैं स्वीकार कर लो अपने हृदय से पूरा 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 भाव अपना भाव पर कम मत रखना है जैसे भाव है जैसे जब और क्या करे अब आदमी का जैसा भाव है उतना ही तो करे और क्या करे और जिम्मेवारी क्या है अपने भाव से सच्चे हृदय से हे नाथ मैं तो आपका हूँ आपको ये चिंत लाना सार्थक हो जाएगा सत्संग करना सार्थक पाठ करना सार्थक हो जाएगा उम्र भर की सब बात वृक्ष हो जाएगी केवल इसको मान लेना है हृदय से जैसे कन्या मान लेती है और क्या बताओ कन्या क्या पढ़ाई करती है क्या अभ्यास करती है मैं साथ ही हूँ ये मां फेरती है केवल मान लेती है बस कोई ज्यादा बात नहीं ऐसे आप मान ले ब्याह करने पर वो मैं कुमारी थोड़ी हूँ भीतर में भाव बदल गया अहंता बदल गई मैं कुमारी नहीं हूँ।
कूदते सीधे गए तो भाई कहते भाई तुझे क्या हो गया? तो ठीक बेचा अब रात भर में बड़ी होगी छोरी तो वही है खेल है कूदे देख भाई तेरे ब्याह हो गया तुम्हें क्या कर रही है? नहीं ऐसा नहीं तेरे ब्याह हो गया अब खेल कूद में पहले वाला नहीं रहेगा। कहते ब्याह हो गया तुम भगवान के हो गए हो सत्संगी हो तुम लोग कह देंगे सत्संगी हो क्या करते हो जो दूसरे लोग कर दे कैसे करो तो भगवान के हो गए हम ये बात कृपा कर आज मान लें कितों का हो गया बढ़िया एकदम ठीक हो गया कुछ करना नहीं है पर सब कुछ करना है सब कुछ क्या कि शास्त्र का काम ही करना है शास्त्र का काम ही अपना काम है पीर का काम अपना काम नहीं है पीर का काम तो करती है भाई का काम पिताजी का काम माँ का काम माँ बाप का भाई का काम करती है या अरे वहाँ आपका काम करती है अरे आपके काम चिंता रहती है कई दिन हो जाते हो माँ मेरे को पहुँचा दे भाई को क्या मेरे को पहुँचा दे उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है साथ रहते कभी क्या भाई ने तकलीफ पड़ी रोटी की कभी हुई चिंता कुछ हो साथ रहते चिंता हुई है कभी तो भाई तकलीफ पड़े माँ माँ की तकलीफ पड़ेगी भाई की तकलीफ है समझा क्योंकि वो मेरे घर है ही नहीं वो तो भाई का घर है तो ये तो भाई का घर है भाई अपना घर तो वो भगवान है वो है घर अपना अपना संबंध भगवान के साथ मेरा भाई नहीं मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल तो भगवान के साथ संबंध है बस होगी बस भगवान के शरण हो गए नारायण 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 सार बात राम। यह प्रवचन श्रुति स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 5 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।